दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी देखती रही है कि अखिलेश ने फिर दोबारा मार दिया चक्का। आपको बताते चले कि यूपी निकाय चुनाव में सपा ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसके अनुसार किस तरह से समीकरण बैठा है, भारतीय जनता पार्टी में बुरी तरह से हड़कंप मचा है। दो चरणों में होने वाले यूपी निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने शनिवार को मेयर प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले सपा ने पहली लिस्ट जारी की थी। आपको बताते चले कि दो चरणों में होने वाले यूपी निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने शनिवार को मेयर प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले सपा ने पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 8 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान था। सपा की दूसरी लिस्ट में 6 जिलों में मेयर प्रत्याशी घोषित किया है। सपा ने बरेली में संजीव सक्सेना, मथुरा से तुलसीराम शर्मा, वाराणसी से ओपी सिंह, आगरा से ललिता जाटव, अलीगढ़ से पूर्व विधायक अमीर उल्ला खां, गाजियाबाद से पीएन गर्ग की पत्नी नीलम गर्ग और मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया। आपको बताते चले कि जिस तरह से बीते बुधवार को सपा ने 17 में से 8 मेयर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी, इस दौरान सपा ने लखनऊ के 7, गोरखपुर, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या के लिए मेयर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। इसके अलावा तिलहर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए लाल बाबू और कुंदरकू नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए जो कि समीना खातून को उतारा है। अब तक मेयर के लिए लगातार अखिलेश यादव पूरी तरह से मंथन करते हुए और अच्छे से किस तरह से जो कि लिस्ट को जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले कि लखनऊ से बंदा मिसा, गोरखपुर से काजल निशा, इलाहाबाद से अजय श्रीवास्तव, झांसी रघुवीर सिंह चौधरी, मेरठ में सीमा प्रधान को मिला है, शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा, फिरोजाबाद से मशरूम फातिमा, अयोध्या से आलोक पांडे, बरेली से संजीव सक्सेना, मथुरा से तुलसी राम शर्मा, वाराणसी से ओपी सिंह, आगरा से ललिता जाटव, अलीगढ़ से पूर्व विधायक जमीर उल्ला खां और गाजियाबाद से नीलम गर्ग की पत्नी पीएन गर्ग। तो अखिलेश यादव लगातार जो कि लिस्ट जारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी, अभी संकोच में पड़ी है किसको टिकट मिलेगा। आगे जैसी रणनीति होगी बताता रहूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।